जॉब मुकम्मल करे, पहली पोस्टिंग वो वहाँ पे वज़ीरिस्तान इनकी हुई थी। कोई 2 महीने के बाद इस तरह ये वाक़या हुआ। मैं बहुत ही ज़्यादा अनरेस्ट था, किसी को बताता नहीं था, लेकिन मैं पता नहीं ज़हनी तौर पे मैं बड़ा ऐसी परेशान सा रहता था। अचानक ही खबर आई कि इस तरह उनकी शहादत हुई। हमने कहा बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने ले लिया। एनी हाउ मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है, सिर्फ ये कि तकलीफ तब होती है कि कोई हमारे वतन के बारे में कोई ऐसी बात करे, वो ज़रा थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दूसरी बेटी है, वो भी आर्मी में है, मेजर डॉक्टर है, अभी वो CMH में है। उनका हस्बैंड भी है, वो भी मेजर डॉक्टर है, और बेटा है माशाल्लाह, वो भी आर्मी में है, मेजर है, वो भी आर्मड कोर में है। हमने फ़ौज को नहीं छोड़ा, ना फ़ौज को छोड़ सकते हैं, अल्लाह का शुक्र है, ये मेरी बड़ी इज्जत है। वो मेरा दोस्त, मेरा बेटा और बहुत ख्याल रखने वाला मेरा बेटा था। पेशावर CMH में ही उसकी पैदाइश हुई और आखिरी दफ़ा भी CMH पेशावर से ही रेडी होके मेरे पास आया। बस उसकी खूबसूरत बातें, खूबसूरत यादें, अल्लाह ताला उसकी शहादत कबूल फरमाए और इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। गो कि हमारा गम बहुत बड़ा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने बेटे के लिए पहली दफ़ा रिश्ते के लिए जाना था लड़की देखने के लिए संडे को, लेकिन उससे पहले ही उसकी शहादत हो गई। हमने अपने बच्चों के सेहरे के फूल उनकी कब्रों में डाले, अल्लाह हमसे राजी हो जाए। हम अल्लाह से राजी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बहुत अच्छे दोस्त, माय मेंटोर, ही वाज माय टीचर, ही वाज माय इंस्पिरेशन। उस गैप को नो वन कैन एवर फिल दैट गैप। उनकी शहादत के बाद बहुत सारे लोग हमारे पास आए कि हम तो इनके पेशेंट थे, ये तो हमें देखने घर में आते थे। माय फादर सेड के वन रेड बेरी हैज़ गॉन, सो यू विल रिप्लेस दिस। हम डरने वालों में से नहीं हैं, हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं कि अगर एक चला गया, एक कुर्बानी दे दी है तो अब हम पीछे हो जाएं, बल्कि हम आगे बढ़ने वालों में से हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने उनकी आंखों में शहादत देखी थी, तो ये अल्लाह के चुने हुए बंदे होते हैं, सबको नसीब नहीं होती है। बहुत सारे लोग इस फील्ड में आते हैं और इसकी दुआ भी करते हैं, लेकिन ऐसे ही चले जाते हैं, ये सिर्फ नसीब वालों को मिलती है। हम तो चाहते हैं कि शुहदा, जितने भी शुहदा हैं, उनकी इज्जत कदर की जाए, क्योंकि इनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं। हमने अपना एक खूबसूरत सा दिल का टुकड़ा वतन की खातिर हमने कुर्बान किया, तो अल्लाह पाक का शुक्र है, जितनी शहादतें होंगी इंशाल्लाह ये वतन कायम दायम रहेगा।